नमोबुदाय जय भीम। साथियों, आज गाजियाबाद के अंदर प्रताप विहार है, प्रताप विहार के अंदर बुद्ध विहार है, धम्म विजय बुद्ध विहार। तो इसके अंदर उपासिका है हमारी जो समाज में कार्य कर रही हैं, गाने बजाने से भी करती हैं और शिक्षिका भी हैं और मिशनरी साथी भी हैं। तो मैं आप सब लोगों का एक बात पर परिचय जरूर कराऊँ, उसके बाद अपनी बात रखी जाएगी। क्या नाम है आपका? रजनी बोध। रजनी बोध जी, कहाँ रहती हैं आप? कहाँ पर रहती हैं? सिद्धार्थ विहार। सिद्धार्थ विहार में जी। क्या काम करती हो? मैं सिलाई। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। आपका नाम? मैं हूँ विजयलक्ष्मी बोध और गाजियाबाद विजयनगर बाबू। आपका नाम? मैं राजवाला बोध हूँ, मैं सेक्टर 12 प्रताप विहार में रहती हूँ और दिल्ली में टीचर हूँ और मिश्री उसमें भी लगे हुए हैं। आपका नाम? मैं वीरमती गौतम हूँ, गाजियाबाद प्रताप विहार में रहती हूँ और बाबा साहेब के मिशन की एक छोटी सी सिपाही। आपका नाम? मैं रीटा बोध हूँ, मैं चरण सिंह कॉलोनी में रहती हूँ। चरण सिंह कॉलोनी जी। जी जी, क्या काम करती हैं आप? मैं आर्मी बीएड हूँ, टीचर के लिए अप्लाई करा हुआ है। अभी तो फिलहाल छूट गया, लेकिन हाँ करते थे कुछ प्रॉब्लम आ जी जी। आपका नाम? विजेंद्र बोध है जी जी। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में क्या क्या नॉलेज रखती है ये बताइए मुझे जी। बाबा साहब के बारे में तो, जितना हम बोलेंगे उतना कहें, बाबा साहब ने तो हमारे लिए सब कुछ किया है। आज तक जो भी हमें अधिकार जितने दिए हैं, हमें क्या पूरे उसको, पूरे वर्ल्ड की महिलाओं को सब अधिकार उन्हीं ने दिए, महिलाओं के। हमें जितने भी आज तक हमारी पढ़ाई लिखाई से संबंधित सब कुछ उन्हीं का दिया है। आज जो हम अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनना, पढ़ाई लिखाई, जो हमारे बाबा साहब की देन है और बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया है। हम तो बाबा साहब, आपने पे बैक टू सोसाइटी क्या दिया? बाबा साहब ने तो हमें सब कुछ दे दिया। हमने देखो, हम बाबा साहब के प्रचार में लगे हुए हैं। हम उसी तरह से समझाते हैं, लोगों को बताते हैं भाई बाबा साहब के विचारों को मानो, उनकी शिक्षाओं की तरह शिक्षा अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा दो उन्हीं के विचारों के लिए। हम सबको समझाते हैं, जगह जगह जाते हैं हम तरह से। हमने तो महिला मंडल भी बना रखे, गाकर भी बताते हैं और वैसे भी समझाते हैं जी। हाँ जी, हर तरह से प्रभाव पड़ा लोगों पर? कुछ तो है, कुछ तो है। हाँ, हाँ, पहले से आप लोग काफी दिन से, हम 30-35 साल से लगे हुए हैं, लेकिन काफी है। हाँ, जी मैडम, आपका बाबा साहब की बहुत मेहरबानी है हमारे पे। भैया इसे पंखे को बंद कर दो। पूरे देश की महिलाओं पे, जो महिलाएं हमारी कुछ नहीं कर पाती थी, बाबा साहब की बदौलत हर जगह आई है, उठी है और शिक्षा ग्रहण करी है। बाबा साहब ने हमें इतना दिया है कि हम उनके मरते दम तक भी उनके एहसान को भुला नहीं पाएंगे और जब तक जिंदा है हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी जी, और मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे जी जी, ये 100% आज भी सत्य में साबित कर सकता हूँ जी जी जी। बस जी, मुझे ये बताइए, आप भी टीचर हैं, आपके हस्बैंड भी टीचर हैं, आप कितने बच्चों की फीस भरते हैं जी? बच्चों की फीस तो जो हमारे पे मदद होती है, हम बच्चों की, गरीब बच्चों की भी एडमिशन भी फ्री कराने का काम करते हैं। हमारे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं दिल्ली में जी जी। तो जो भी जहाँ जरूरत होती है, हमारे जितने भी गरीब तबका है, हम उनकी मदद करते हैं। समाज का कोई भी काम होता है, कोई भी जरूरत होती है, हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और हम बाबा साहब के मिशन को जब से हमने जाना है, तो हम तो सोचते हैं कि हम तो पहले कचड़े में पड़े थे, जब से हमने बाबा साहब के मिशन में कदम रखा है तो हमें पता चला है कि हमारे साथ कितने बड़ा काम किया है बाबा साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मैडम, आप भी मैडम है हमारी, मैं बीएड है। आप बताइए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में कुछ। जो कुछ भी बदौलत आज उन्हीं की बदौलत है ये शिक्षा। हमें तो बिल्कुल भी घर से निकलने का ही अधिकार नहीं था जी। बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, सब कुछ ही हमारी माता सावित्री बाई फूले जी ने दिया है, पहली शिक्षिका हो। लेकिन आज जो सब सब कहते हैं सरस्वती देवी वो शिक्षा की देवी है, जबकि लोगों को जानकारी नहीं है कि जो भी है सब कुछ हमारी सावित्री माता जी हैं, उन्होंने ही हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। उन्हीं के बदौलत आज हम सब लेडीज कितने ऊपर पहुंच गए, पीएम, राष्ट्रपति, ये सब कुछ बन चुके हैं। तो उन्हीं की शिक्षा है हमारी, जो कुछ आज हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और बाबा साहब की जितनी इतनी डिग्रियां हैं सब, आज तक समाज में कोई नहीं ले पाया, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है और आगे भी मुश्किल लगता है जो उनकी बराबरी कर सके। आप अपने जीवन में बाबा साहब का योगदान मानते हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा योगदान। आप कितने घरों में प्रचार करती है महिलाओं का? प्रचार तो हमारा यही है, हम करते हैं बिल्कुल, और कहते हैं, समझाते भी हैं, जो हमसे बातें करते हैं, कुछ कहते हैं बाबा साहब के बारे में जानकारी देते हैं, और जो हिंदू विरोधी बातें हैं या कैसे भी हैं उनके बारे में उनको समाधान करके बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे और ऐसे होना चाहिए। हाँ जी मैडम, आप बताइए। बाबा साहब के बारे में देखो सभी जानते हैं सर, हम तो सबसे ज़्यादा ही मानते हैं, सबको समझाते भी हैं, अपने गली मोहल्ले और पास सब समझाते चलते हैं।
लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ जानते भी नहीं है, कुछ जान बूझ के भी अनजान बनते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, क्या नहीं किया। क्योंकि बाबा साहब को सोचते हैं कि बस वो तो एक नीची जाति से थे, पब्लिक बहुत सी समझती है, मेरी गली में खुद हैं जो ऐसा सोचते हैं समझते हैं। अभी तक भी हिंदू धर्म के आगे पीछे दुनिया भागती है, अभी नौरते आने वाले हैं, लाइन लग जाएगी। अभी मैंने छोटी सी वंदना कराई, पूरे मोहल्ले में बुलाया, कोई नहीं आता बाबा साहब नाम सुन के, लेकिन जानते हैं पर मानते नहीं हैं। अब मैं खुद, हम सब दीदी, हम सब लोग हैं, हम कहते हैं कि हमारे बाबा साहब ने इतना किया जीवन में, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता और ना ही कर पाएगा। आज तक धरती पर ऐसा महान पैदा इंसान नहीं हुआ, नहीं होगा। हमें जो भी कुछ है बाबा साहब के बदौलत है, हम गर्व से कहते हैं कि बाबा साहब हमारे हैं। हमारे में सर मेरे समाज के बच्चे पढ़ते हैं, जिस स्कूल में दिल्ली में मैं पढ़ाती हूँ, मेरे समाज के, दिल्ली में कहाँ पे? मैं कल्याणपुरी में हूँ। अच्छा, मेरे समाज के जब बच्चे आते हैं वहाँ, देखो मैं उनको फीस तो हमारी लगती नहीं है दिल्ली में उनकी, लेकिन जो उनकी वैसे आर्थिक मदद जिसकी भी घर से उसकी मम्मी से पूछ के मिलती हूँ, पेरेंट्स से समझता, ड्रेस से, स्टेशनरी में पूरे स्कूल में बांटती हूँ सबको, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, बाबा साहब के बर्थडे पे, अपनी सालगिरह पे, सबके उसको अपने सब बच्चों, पूरे स्कूल के बच्चों को बांटती हूँ जो मेरे से मदद होते, क्योंकि मेरे समाज के बच्चे। मैं आपको काफी दिन से जानता हूँ, आप काफी प्रयास कर रहे हैं और पढ़ाने में भी उन बच्चों का विशेष ध्यान देती हूँ, क्योंकि ये मेरे समाज के बच्चे हैं, ये पढ़ेंगे, क्यों और लोग नहीं चाहेंगे कि ये पढ़े। जी जी। मैं अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने में भी और उनकी आर्थिक मदद में पूरा मदद करती हूँ। आप बताइए मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं बाबा साहब के? नहीं, हाथ जोड़ोगे माता? हमारे बीच समाज सेवी का है जो मेरी यूट्यूब पर भी फेमस है, और आज मैं, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं तो आपसे एक मेरा कर्तव्य भी बनता है सम्मान एक अधिकार में, कि आज जो ये घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर, इन घटनाओं का कारण क्या है, क्या इसका समाधान है इस पर? देखिए, ये बाबा साहब ने कहा था कि जो धोखा मुझे दिया है वो पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा, तो कहीं ना कहीं हम ही इसके जुम्मेदार, ST SC OBC मिल करके ये इस प्रधानमंत्री बनाते हैं और मुख्यमंत्री बनाते हैं, और जो हमारे जो ये नेता हैं यही मिलकर अपने सहयोगियों से ये दंगा कराते हैं ताकि हम लोगों को नीचा देखना पड़े, तो इसकी हम ही जुम्मेवार है। क्योंकि हम अभी भी, हमारा बहुजन समाज, मैं बहुजन समाज की बात करती हूँ, कि बहुजन समाज जो रेंगने वाला एक कीड़ा था, वो आज बाबा साहब ने उन्हें आसमान पर बिठा, और हमारे जो बहुजन महिलाएं वो क्या कर रही हैं, बाबा साहब को धोखा देने का, अंधविश्वास, पाखंडवाद, छुआछूत, अंधश्रद्धा अपनी चरम पर, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास और पाखंडवाद का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ तो बाबा साहब ने हमें सारे हक अधिकार दिए, दूसरी तरफ महिलाएं क्या कर रही हैं, अंधविश्वास पाखंडवाद को बढ़ावा दे, उसी ब्राह्मणी व्यवस्था को महिलाएं मजबूत करने में लगी हुई हैं, जिस ब्राह्मणी व्यवस्था में महिलाओं को पैर की जूती का, उसी ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने में लगी हुई हैं, जिस ब्राह्मणी व्यवस्था में महिलाओं को भोग विलास की वस्तु, और इससे ज़्यादा महिलाओं की कोई औकात नहीं थी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए अपने चार चार बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी पत्नी को बलिदान कर दिया, और हम लोग क्या करें, आज भी पूजा पाठ अंधविश्वास में डूबे, इस तरह से डूबे हुए कि वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं। अभी बागेश्वर जो बाबा है उसने बोला है कि गले में मंगलसूत्र ना हो और मांग में सिंदूर ना हो तो वो खाली प्लॉट है। तो मैं बागेश्वर बाबा को ऐसी चप्पल दिखाना चाहती हूँ, उसे चप्पलों से मारना चाहती हूँ अगर वो मेरे सामने हो, कि उसकी माँ भी उसको पैदा होने पर पछता रही होगी कि कैसे मूर्ख नालायक को मैंने जन्म दिया है, कि वो जो बेटियां हमारी अनमेरिड हैं क्या वो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र लगा के घूमेंगी, उसकी माँ या उसकी बहन जो कुंवारी होगी वो क्या मंगलसूत्र पहन के घूमेगी? ऐसे बाबा को तो जूतों से मारना चाहिए। वो महिलाएं वहाँ पर ताली बजा रही हैं हंस हंस, तो कितनी शर्म की बात है कि जिस बाबा साहब ने हमारे लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और हम उन्हें धोखा देने का काम कर रहे हैं।
बस इसी के साथ एक मणिपुर घटना, मणिपुर के बाद राजस्थान घटना और राजस्थान के बाद हरियाणा घटना और अब दिल्ली का टारगेट किया जा रहा है, तो इसकी रोकथाम कुछ होगी हमारे उसमें संविधान में कुछ है नहीं है क्या है? हमारे संविधान में तो रोकथाम है लेकिन संविधान को लोग चलने कहाँ दे रहे हैं? नहीं, इसमें गलती किसकी है? गलती तो देखो हमारी ही चल रही है उसमें, यही कि हम अपना उतना ध्यान नहीं दे पा रहे जी। हम जो हम ही अंधविश्वास की तरफ दौड़े हुए हैं, हम भी पाखंड को मान रहे हैं, उनको पूछते हैं, उन्हीं के देवी देवताओं के सबके उसमें उन्हीं के कहने में चल रहे हैं, कि हम अपने इतिहास को जाने तभी तो हम कुछ करेंगे आगे। आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, महिलाएं जो हैं वो हमारी अच्छी बात है, टीचर भी बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, लेकिन राजनीति में पीछे रहती हैं। राजनीति में जब तक हमारे अच्छे लोग नहीं जाएंगे जब तक बुरे लोग हम पर शासन करेंगे। वो तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप कितने भी पढ़ाई लिखाई कर रही हो, आप कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, लेकिन बाबा साहब ने एक अधिकार दिया है अनपढ़ आदमी को भी वोट का और चुनाव लड़ने का। आपके गाजियाबाद मेयर से पांचवी फेल चुनाव लड़ी थी महिला, ठीक है? नहीं, आप सांसद बने, आप विधायक बने, कुछ भी बने, आप कई लाख लोगों का भला कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि मुझे केवल नौकरी के लिए पढ़ना है, मुझे नौकरी मिलेगी मैं पढ़ूंगा तो नौकरी है तो मैं बिल्कुल बज्जर का होगा। हाँ, बस ये धारणा बनी बिल्कुल। तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा राजनीति गंदी नहीं है? नहीं। आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उसके जो गुरु थे वो आजकल सो रहे हैं, अभी तक जागे नहीं है वो, ठीक है ना, अन्ना हजारे। तो उसने कहा था कि अरविंद आप जेल में उसमें मत जाए, राजनीति में, राजनीति बुरी चीज है। तो अरविंद ने कहा था गुरुजी राजनीति बुरी नहीं है, गंध जब साफ होगी जब गंध में बड़ा जाएगा। और तो साफ ही कैसे होगी जब तक उसके अंदर ही नहीं पूछेंगे। तो हमारे लोग ऊपर से साफ करते हैं, लड़कियों को पढ़ी लिखी टीचर हैं, एमए बीएड एमएड आप सब लोग हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन आपको छोटे छोटे पदों पर आप खड़ी होंगे तो अधिकारियों से बात करना सीखेंगे। नेता के अंदर वो पावर होती है जो कुछ भी करा सकता है, ठीक है ना? आपके पास नहीं है क्योंकि आप गवर्नमेंट के रूल में बंधे हुए हैं, है जी भाई। मान्य लखनऊ के नवाबों के शहर में आपके हमारे नवेडा के अंदर या गाजियाबाद के अंदर या आपके विजयनगर में ही बुद्ध विहार बाबा साहब की प्रतिमा लगाई है, तो राजनीति से तो लगाई, अपनी जेब से थोड़ी लगाई। तो आप लोगों को हमारे ये कहना है कि आप लोग राजनीति में बढ़े, किसी भी पार्टी से बढ़े, मेरा कोई लेना देना नहीं, जहाँ भी सफलता मिले समाज के हित में काम करना। साहब ने भी कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी नहीं कर सकती। इस मूल निवासी बहुजन समाज को जब तक अपना इतिहास मालूम नहीं होगा हमें कौन सा रास्ता चुनना है। किसी ने कहा है कि हर काली चीज कोयला नहीं होती और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो धोखा वही खाते हैं मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के भाई और बहनों जिन्हें दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं होती। मैं कहना चाहती हूँ इन मनवादियों से, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं, हमने 3000 साल तक तुम लोगों की गुलामी को सहा है, क्या हमारी भावनाएं नहीं थी? मैं कहना चाहती हूँ जो धर्म ग्रंथ इंसान को इंसान से दूर करने की बात करता हो, जो इंसान को गुलाम बनाने की बात करता हो, जो इंसान को पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर करता हो, जो महिलाओं को दासी बनाने का काम करता हो, ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों को ठोकर मार देनी चाहिए। जब हमारी विचारधारा एक है, हमारे सपने एक है, हमारे सपनों का भारत एक है, तो मैं ओबीसी समाज, इस बहुजन समाज से कहना चाहती हूँ कि हमें इस मंदिर की लड़ाई से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर हम बहुजन समाज बना पाएंगे, ताकि हम बता सकें इन मनवादियों को कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लायक औलाद अभी जिंदा हैं, वो आपका सपना कभी साकार नहीं होने देंगे। एक तो साथियों अपने घर में ब्राह्मण को बुलाना बंद कर देना, जो हमारी बहनें ज़्यादातर कर्मकांड करवाती हैं, अपने घर में ब्राह्मण को बुलाना बंद कर देना, और दूसरा तुम मंदिर जाना बंद कर देना, तुम्हारी आदि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो लोग तमाम हमने अपनी महापुरुषों की विचारधारा को अगर आगे बढ़ा दिया तो मेरा दावा है ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ना मैदान छोड़कर भाग जाएंगे और इस देश पर हमारा राज होगा, हमारा शासन होगा, हमारा हुक्मरान होगा। जो लोग इस भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू कर देना चाहते हैं, जो लोग जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर दंगा कराना चाहते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम बाबा साहब की लायक औलाद जिंदा है, वो कभी आपका सपना साकार नहीं होने देंगे। भारत का संविधान अहम है और ये भारत के हर नागरिक को समझ लेना चाहिए। भारत का संविधान
एक संविधान बाबा साहब ने बनाया जिस पर देश चल रहा है, और एक बहुजन आंदोलन हम सब के लिए किया, वो है बुद्ध और उनका धर्म। हर महिला को जागना चाहिए और सभी के लिए काम करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेन कारण तो ये है कि हमारे समाज जाग ही नहीं रहा। महिलाएं एक एक कॉलोनी में एक महिला है, पूरे एन ब्लॉक में एक अकेली में हूँ। अब देखो जब ये सारे उनके पीछे दौड़ रहे हैं, हम दूसरों को दोष दे रहे हैं, हम जाग जाएं तो ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम ही तो नहीं जग रहे। अगर एक परिवार से एक महिला भी जाग गई तो सोच लीजिए कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां जाग जाएंगी। लगे पड़े अंधविश्वास में, देवी देवताओं की गुलामी से बचा सकते हैं अगर एक महिला भी एक परिवार से जाग गई। हम भी अपने उसमें पूरी कॉलोनी के अंदर हम दो हैं, हाँ तीन है, एक हमारे हम ड्रेस पहन के निकलते हैं तो सब ऐसे आंखें खोल के देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। हम अपने गर्व से निकलते हैं तो हम किसी को कह ही नहीं सकते, खुद जग जाए ना तो किसी की वो ही नहीं है कि पावर हमें कुछ हटा दे कर दे। अभी तो नहीं जग रहे, हम ही तो लगे हैं। काफी महिलाएं हमारी आगे आ रही हैं, जागरूक हो रही हैं, टाइम तो लगता है, पर चलो एक महिला को देख के दूसरी जग रही है, आ रहे हैं काफी। तो महिलाओं को सबको यही समझाते हैं, हमारी महिलाएं आगे आएंगी, हमारी महिला हिंदू धर्म को छोड़ दे तो वो हिंदू धर्म खत्म ही हो जाएगा। हमारी महिलाओं ने हिंदू धर्म को बढ़ा रखा है, ये हमारी महिलाएं हैं, हमारे जो बाल बच्चे हैं ये कावड़ वावड़ लेने जाते हैं, इन्होंने तो बढ़ा रखा उस धर्म को, नहीं तो उस धर्म है क्या, वो धर्म ही नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे आएगा, बदल रही हमारी महिलाएं, हमारे मिशन भी बदल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, फिर भी हम सभी को ये कहना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं पुरुष आगे आए। बाबा साहेब के मिशन को जो उनका सपना था उनका सपना पूरा करने में योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये सभी सामाजिक महिलाएं हैं, हमारी आन बान शान है, और इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। आगे बढ़ाते रहिए। जय भीम, नमो भीम।